पास्कल्स लॉ। आज हम आपको पास्कल्स लॉ के बारे में बताएंगे। जब किसी बर्तन में मौजूद लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी के लिक्विड के दूसरे तमाम हिस्सों को इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है। पास्कल्स लॉ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वेसल दिखाई दे रही है जिसमें चार सुराख हैं जो कि चार एयरटाइट पिस्टन्स ए बी सी और डी की मदद से बंद किए गए हैं और ये वेसल पानी से भरी हुई है। जब पिस्टन ए पर प्रेशर डाला जा रहा है तो ये प्रेशर पानी की वजह से पिस्टन्स बी सी और डी पर मुंतकिल हो रहा है जिसके नतीजे में पिस्टन्स बी सी और डी बाहर की तरफ हरकत कर रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पास्कल्स लॉ बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है, मसलन हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाइड्रोलिक जैक और इसके अलावा बहुत सी दीगर मशीन्स में। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम पास्कल्स लॉ के मुताबिक काम करता है। हर हाइड्रोलिक सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा और आसान सा है। किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड अमूमन ऑयल को इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंट पर लगाई गई फोर्स दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाती है। हाइड्रोलिक प्रेस में बेसिकली दो पिस्टन शामिल होते हैं जिन्हें दो सिलेंडर्स में फिट किया जाता है। एक पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे पिस्टन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बड़ा होता है। एक पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और दूसरे पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और पास्कल्स लॉ के मुताबिक A1 इज़ लेस देन A2। और अगर इनकी रेशो देखी जाए तो A1 ओवर A2 हमेशा 1 से लेस होगा जबकि A2 ओवर A1 हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। और ये 1 से जितना ग्रेटर होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जब हम एक पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पिस्टन 2 पर मुंतकिल होती है और पास्कल लॉ के मुताबिक फोर्स को बढ़ाने के लिए एक पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे पिस्टन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बड़ा रखा जाता है। अब अगर एक पिस्टन पर फोर्स F1 लगाई जाए तो ये फोर्स दूसरे पिस्टन पर मुंतकिल हो जाएगी और इस फोर्स को हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, सो P इज इक्वल्स टू F ओवर A। अब अगर एक पिस्टन पर प्रेशर एग्जर्ट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वो प्रेशर F1 ओवर A1 के बराबर होगा और इसी तरह जो प्रेशर दूसरे पिस्टन तक मुंतकिल हो रहा है उसे हम F2 ओवर A2 के बराबर कहेंगे। जैसा कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से ये इक्वेशन बनती है, F1 ओवर A1 इज इक्वल्स टू F2 ओवर A2। अब अगर हम F2 की वैल्यू जानना चाहते हैं तो रिजल्टेंट इक्वेशन इस तरह से होगी, F2 इज इक्वल्स टू F1 इंटू A2 ओवर A1। अब देखते हैं गाड़ियों का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एक पाइपलाइन पर मुश्तमिल है जो कि लिक्विड से फिल्ड है और इस पाइपलाइन का एक हिस्सा मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड है जिसमें मास्टर सिलेंडर पिस्टन फिट होता है जो कि कार के फुट पेडल से अटैच्ड है। पाइपलाइन का दूसरा हिस्सा व्हील सिलेंडर से कनेक्टेड है जिसके दो पिस्टन हैं P1 और P2 जो कि ब्रेक शू से अटैच्ड हैं। व्हील सिलेंडर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मास्टर सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बड़ा है। अब देखते हैं कि जब ब्रेक लगाई जाती है तो क्या होता है। जब ब्रेक लगाई गई तो फुट पेडल पुश हुआ जिसकी वजह से मास्टर सिलेंडर के फ्लूड पर प्रेशर एग्जर्ट हुआ और ये प्रेशर बगैर किसी कमी के व्हील सिलेंडर के पिस्टन्स पर इक्वली ट्रांसफ़र हो गया और पिस्टन्स ने बाहर की तरफ हरकत की और ब्रेक शू व्हील के रिम के मुखालिफ प्रेस हो गया जिसकी वजह से टायर की मूवमेंट रुक गई। जब पेडल से दबाव हटाते हैं तो रिटर्न स्प्रिंग व्हील सिलेंडर के पिस्टन्स को फोर्स लगाता है और फ्लूड वापस मास्टर सिलेंडर में चला जाता है। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। इस मशीन में मुख्तलिफ हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं जो मशीन की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और ये हाइड्रोलिक पंप्स भी पास्कल्स लॉ के तहत काम करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक वजनी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी पास्कल्स लॉ के मुताबिक काम करता है।